Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी को पार्टी टिकट देगी या नहीं, या फिर वे इस बार का चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का ही समर्थन भी मिल सकता है। वरुण गांधी मौजूदा समय से पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव या तो अमेठी से या फिर सुल्तानपुर सीट से लड़ सकते हैं। सुल्तानपुर सीट से उनकी मां मेनका गांधी वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मेनका गांधी केंद्र में मंत्री भी बनी थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद से ही मेनका गांधी और वरुण गांधी पार्टी के कार्यक्रमों से भी दूर ही नजर आए। हालांकि मेनका की तरफ से कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन वरुण गांधी प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते दिखे, जिसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी का पार्टी से टिकट कट जाएगा। इस बीच वरुण गांधी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत भी पहुंचते हैं। हाल ही में वे पीलीभीत भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि आज देश को एक ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। साथ ही उन्होंने पीलीभीत को अपना परिवार भी बताया, जिसके बाद फिर यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या वरुण पाला बदलने वाले हैं या फिर वो बीजेपी से लड़ेंगे। उधर बीजेपी भी उत्तर प्रदेश में टिकट फाइनल करने में जुटी है। कहा जा रहा है कि वरुण गांधी, मेनका गांधी समेत कुल 6 सीटें हैं जिस पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगर वरुण गांधी को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो क्या वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। बाकी अगर वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।